रमजान का रोजा आ रहा है और कोरोना है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक सवाल काफी पूछा जा रहा है कि क्या रमजान में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना के वैक्सीन को लगवाने से रोजा टूट जाएगा। इस किस्म के कई सवालात पूछे जा रहे हैं और आलमी सतह पर उलमाए कराम की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, रिपोर्ट में देखिए। क्या रमजान में वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या कोरोना का टीका लगाने से रोजा टूट जाएगा? क्या रोजे की हालत में वैक्सीन लगवाना दुरुस्त है? सवाल इंतहाई अहम है। खैर, एक साल से ज्यादा हो चुका है और कोरोना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़श्ता साल और इस साल में फर्क यह है कि गुज़श्ता साल हम कोरोना को समझ रहे थे और इस साल हम वैक्सीन से उसका इलाज कर रहे हैं। एक साल में दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों ने अपने मजहबी त्यौहार को किस अंदाज में मनाया है सबको मालूम है। मुसलमानों ने अपने दो मुकद्दस तरीन त्यौहार यानी ईद रमज़ान और ईद कुर्बान किस तरह से मनाया था सबके सामने है और अब रमज़ान भी करीब आ चुका है। इसलिए एक तरफ जहां मसाजिद बंद किए जा रहे हैं और घरों में तरावी के फैसले किए जा रहे हैं, वहीं वैक्सीन लेने पर एक नई बहस छिड़ गई है। मुसलमानों के दरमियान एक सवाल काफी गर्दिश कर रहा है कि रमजान में वैक्सीन लगवाना सही है या नहीं। सवाल यह भी है कि रोजा की हालत में वैक्सीन लगवाने से रोजा टूटता है या नहीं। इन सवालों पर हिंदुस्तानी उलमाए कराम की जानिब से अभी बहुत ज्यादा साफ गोई का मुजाहरा नहीं किया गया है, यानी अभी बयानात सामने नहीं आए हैं। अलबत्ता तुर्की में बाज़ाब्ता तौर पर महकमे मजहबी उमूर की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। तुर्की में महकमे मजहबी उमूर के सरबराह प्रोफेसर अली एरवाश ने एक तरफ यहाँ कहा कि माह रमजान में तरावीह की नमाज मसाजिद में नहीं बल्कि अपने अपने घरों में ही अदा करना मुनासिब होगा, वहीं ये भी कह दिया कि मुसलमानों के लिए अहमियत के हामिल माह रमजान का पहला रोजा 12 और 13 अप्रैल के दरमियानी रात सहरी करते हुए रोजा रखा जाएगा और उसी रोज पहली इफ्तार होगी। तुर्की में मजहबी उमूर के सरबराह प्रोफेसर अली एरबाश ने कोरोना वैक्सीन को लगवाने के हवाले से साफ साफ कहा कि अगर रोजे की हालत में जरूरत महसूस होती है तो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकती है और ऐसी हालत में वैक्सीन लगवाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मजबूरी की सूरत में रोजा रख कर वैक्सीन लगवाते हैं तो रोजा नहीं टूटेगा। वहीं कुछ उलमाए कराम का ये भी मानना है कि वैक्सीन लगवाने से रोजा टूट जाएगा, लेकिन इस हवाले से उनके पास कोई हतमी दलील नहीं है। हिंदुस्तानी उलमाए कराम की तरफ से बासाब्ता तौर पर बयान आना बाकी है। अलबत्ता इस्लामी फलसफे के मुताबिक इंतहाई मजबूरी की सूरत में मना की गई चीज़ें भी मबाह के दायरे में आ जाती हैं। वैसे रात में भी वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन एक आम रोजेदार के पास मौजूद है।